Hello students, now I am moving towards the next exercise 5.2. Our 5.2 is based on the general terms of an AP or finding the general terms of different types of AP. Now what is the general term? General term is the nth term of any AP. Nth term is known as general term. अब आप सपोज करो कि इफ आर फर्स्ट टर्म इज ए एंड आर कॉमन डिफरेंस is D, then अगर हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो A है और कॉमन डिफरेंस D है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है A1, it is A, और एक जनरलाइज फॉर्म के लिए हम इसको ये लिखते हैं A प्लस ये जो 1 है 1 माइनस 1 इंटू डी. 1 माइनस 1 इज 0, तो ये इक्वल हमारा ए ही हो जाएगा. अब अगर हम इसके सेकंड टर्म को लिखते हैं A2, तो इसको लिखेंगे A प्लस कॉमन डिफरेंस को हम 1 टाइम प्लस कर देंगे तो हमारा सेकंड टर्म आ जाएगा, जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. अब देखो, अब इस D को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस सेकंड टर्म माइनस 1 इंटू डी. मतलब हम एक जनरलाइज फॉर्म लाना चाहते हैं कि यहां अगर 1 है तो ये 1 माइनस 1 होगा, यहां अगर 2 है तो ये 2 माइनस 1 होगा. सिमिलरली अगर हम मूव ऑन करें तो A3 क्या होगा? A प्लस 2D, डेट मीन्स A प्लस, इसमें हम 3 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे. तो हम ये देख रहे हैं कि अगर इसी तरह से हम कंटिन्यू होते जाए अपने प्रोग्रेशन में तो हमारा जो nth टर्म होगा An, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा जिसको हम यूज करेंगे nth टर्म को फाइंड करने के लिए वेरियस एग्जांपल्स में. ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स स्टडी करते हैं कि हम जनरल टर्म्स को कैसे फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे. सबसे पहले हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं. हमारा फर्स्ट टर्म गिवन है 7, हमारा नम एन जो है मींस nth टर्म, दैट मींस फिफ्थ टर्म, वो हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है. देन हमारा कॉमन डिफरेंस गिवन है 3, दैट मींस अगर हम यहां an फाइंड करेंगे दैट मींस हमको a5 फाइंड करना है. a5 इज व्हाट? a प्लस 5 माइनस 1 इनटू d, दैट मींस 7 प्लस 4 एंड d की वैल्यू 3. देन 7 प्लस 4, 3 is 12 and 12 plus 7 is 19. That means हमें ये पता चल गया कि हमारा जो fifth term होगा इस arithmetic progression का वो होगा 19. हम कोई भी term find कर सकते हैं. Even कि हम ये भी find कर सकते हैं कि कोई particular number जो है वो उस terms में आता है, उस AP में आता है या नहीं आता है. For example, अब suppose आपको कहा जाता है कि जस्ट चेक कि 171 इज इन द टेबल ऑफ 7, ट्रू और फॉल्स. आपको यह चेक करना है कि 177 क्या 7 के टेबल में है. मतलब बेसिकली हम यह देखना चाहते हैं कि क्या 171 जो है वो 7 से डिविजिबल है. अब इसको चेक करने के लिए देखो 7 का टेबल क्या होता है. 7, 14, 21 एंड सो ऑन. दैट मींस कि 7 में होता क्या है कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो 7 होता है, कॉमन डिफरेंस होता है 14 माइनस 7, दैट मींस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 14 माइनस 7 7. और अगर हम nth टर्म इसको सोचे कि nth टर्म पे हमारा 171 है, दैट मींस an हमारा 171 है, तो
तो हमारा पहला टारगेट होगा n फाइंड करना। अब जब हम n फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से और हमारे पास n जो है एक कंप्लीट होल नंबर आएगा, डेट मीन्स 3, 4, 5, 6, 9, 12 डेसिमल नहीं आएगा, इसका मतलब 7 के टेबल में 171 प्रेजेंट है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं अगेन, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डेट मीन्स 171 इक्वल 7 प्लस 7n माइनस 7, दीज 7s आर कैंसिल्ड आउट, तो हमारा n क्या आएगा 171 डिवाइडेड बाय 7। अब हम देखते हैं 171 डिवाइडेड बाय 7, ये 7 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, इट इज नॉट अ होल नंबर। तो अगर n 171 by 7 जो है, 171 by 7 is not a whole number, ये एक decimal number है, तो इसका clear मतलब है कि 171 will not be in the table of 7, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी टेबल में ये चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर प्रेजेंट है या नहीं है, या कोई नंबर पार्टिकुलरली डिविजिबल है या नहीं है। सपोज आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है इज 176 इज डिविजिबल बाय 13, ट्रू और फॉल्स, तो आप सेम मेथड से ये चेक कर सकते हैं कि 126 डिविजिबल बाय 13 है और नहीं है। आप इसको अपने साथ प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन आएगी तो आप कमेंट में डालो, मैं उसको फिर से वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करें अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखो, हम उसको अगली वीडियो में क्लियर करेंगे, इवन स्पेशल वीडियोस बनाएंगे उसको क्लियर करने के लिए। अब नेक्स्ट प्लान में हम इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो 5.2 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम जो टिपिकल क्वेश्चंस है वो हम आपके लिए सॉल्व कर दें, आपको क्लियर कर दें। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले मूव ऑन करते हैं सबसे बेसिक फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन जो है उसका थर्ड पार्ट में गिवन है कि हमें ए फाइंड करना है, ए ब्लैंक है, एन 18 है, डी माइनस 3 है एंड ए एन इज माइनस 5। अब हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको जो भी गिवन है उसको इसमें प्लस कर देना है, ए एन इज गिवन एज माइनस 5, ए हमें फाइंड आउट करना है, एन इज 18 माइनस 1 एंड डी इज माइनस 3। अब इसके बाद आप देखो माइनस 5 इक्वल्स ए प्लस 17 इंटू माइनस 3, देन माइनस 5 इक्वल्स ए माइनस, प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस होगी, 17 थ्री जार इट इज 51। नाउ हाउ टू फाइंड ए, ए को फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ 51 प्लस करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये 51 एलिमिनेट हो जाएगा ए, एंड 51 माइनस 5 इज 46, दैट मींस फाइनली हमारा जो इसमें फर्स्ट टर्म आ रहा है ये 46 आ रहा है। अब देखो फिर से एक बार मैं कंफ्यूज देख लेता हूं, आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ए मिसिंग है, एन हमारे पास 18 है, डी माइनस 3 है एंड लास्ट टर्म ए एन एन एफ टर्म इज माइनस 5। हम अपने फॉर्मूले को यूज किया, हमने ए एन की वैल्यू माइनस 5, ए हमारा अननोन है, एन की वैल्यू 18, 18 माइनस 1 17 एंड 17 थ्री जा 51 एंड प्लस माइनस माइनस होती है। अब हमेशा हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए माइनस 51 है तो प्लस 51 करेंगे, अगर प्लस 51 होता तो माइनस 51 करते, और जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे कि हमारा इक्वेशन ऑलवेज बैलेंस्ड रहे। ऐसे कंडीशन में हमारा फाइनली आ रहा है ए इज इक्वल्स टू 46। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का
फिफ्थ पार्ट, ये मुझे सबसे टिपिकल लगा इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। इसमें सबसे पहले देखो कुछ बॉक्सेस मिसिंग हैं और टू वैल्यूज हमें गिवन है, इनको यूज करके हमें इन बॉक्सेस मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले देखो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा फर्स्ट बॉक्स क्या होता है, ये ए होता है, नेक्स्ट ए प्लस डी, एक बार कॉमन डिफरेंस हम प्लस करेंगे, नेक्स्ट ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, सिमिलरली ए प्लस फोर डी एंड लास्ट वन ए प्लस फाइव डी। अगर हमारे पास ए एंड डी दोनों की वैल्यूज होगी तो डेफिनेटली हम कुछ भी इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो उनको फाइंड करने के लिए हमें क्या गिवन है हम उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले ए प्लस डी, ए प्लस डी की वैल्यू तो हमें मालूम है, इट इज 38, वी नो दैट इट वेरी वेल। इसको हम सपोज करते हैं कि हमारा इक्वेशन 1 है। देन ए प्लस 5d की वैल्यू हमें मालूम है, इट इज -22, इसको हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं। अब देखो हमें इसमें से किसी एक वेरिएबल को a या d को एलिमिनेट कर देना है जिससे कि अदर वेरिएबल फाइंड आउट हो जाए। तो एलिमिनेट करने में सबसे बेस्ट मेथड है, हम यहां a एंड a देख रहे हैं, दैट मींस अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस डी माइनस a प्लस 5d इक्वल्स 38 माइनस माइनस 22। देन अब आप देखो इसमें a हमारा कैंसिल्ड आउट है क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, एंड d में से 5d माइनस होगा तो इट इज माइनस 4d। देन 38 माइनस एंड माइनस की मल्टीप्लीकेशन इज प्लस, इट इज 22। दैट मींस हमारे पास माइनस 4d आ गया, ये आ गया हमारा 60। देन अब d के लिए हमें माइनस 4 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मैंने माइनस 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, दैट मींस d इज इक्वल्स टू माइनस 15। अब हमारे पास d की वैल्यू है, सो यूजिंग इक्वेशन 1, कोई भी एक इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, 1 और 2 कोई भी। तो यूजिंग इक्वेशन 1 इसमें हमने क्या किया, d की जगह प्लेस कर दिया जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट किया था तो माइनस 15 इधर 38 था, देन a माइनस 15 इज 38, अगेन अगर दोनों तरफ प्लस 15 करेंगे तो हमारा माइनस 15 एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी a इज 53। दैट मींस हमें अब दोनों अननोन्स पता चल गए, a हमारा 53 है एंड d हमारा माइनस 15 है। इसका मतलब हमारा जो ये फर्स्ट टर्म था ये तो डायरेक्टली a था, दैट मींस इसमें हम 53 प्लेस कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट अननोन है हमारा ये था a प्लस 2d, तो ये क्या है 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15, दैट इज 53 एंड प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस 15 टू जा 30, इट इज 23। तो हमारा ये अननोन भी क्लियर हो गया। सिमिलरली आप बाकी के कॉमन डिफरेंसेस यहां पे अगर हम ऐड करते चले जाए तो हमारे सारे टर्म्स आ जाएंगे, नेक्स्ट a प्लस 3d इट इज 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15, तो ये हमारा 53 माइनस 45 आ गया, 45 दैट मींस 8, इट इज 3, नॉट बी कंफ्यूज्ड। देन हमारा लास्ट जो है a प्लस 4d, तो 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15, तो ये हमारा हो जाएगा 53 माइनस 60 विच इज माइनस 7, तो ये हमारा माइनस 7 आया है और ये 8। दैट मींस आपको आपके पास सारे अननोन्स है। इस तरह से आप इसके प्रीवियस सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, वो इसके रिस्पेक्ट में काफी इजी है। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो है सेवेंथ। सेवेंथ है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी
whose 11th term is 38 and 16th term is 73. ये कुछ कुछ वेरी सिमिलर है जो अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था. इसमें क्या है, हमको दो चीजें गिवन है. हमें गिवन है 11th term which is 38 and हमें गिवन है 16th term which is 73. सबसे पहले तो हमें एक एपी सपोज करना है. मींस सपोज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म एज ए एंड कॉमन डिफरेंस एज बी. तो हमारे पास गिवन है ए 11. ए 11 इज व्हाट, ए प्लस एन माइनस वन, डेट मीन्स 11 माइनस वन इंटू डी, ये गिवन है 38. तो हमारा आ गया इक्वेशन ए प्लस 10d विच इज 38. हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लेंगे. देन अब हमारे पास है ए 16 विच इज ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, ये गिवन है 73. अब इसको हम लेंगे a प्लस 16 माइनस 1 15d विच इज 73. ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन. अब हम सिमिलरली जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, हम a को एलिमिनेट कर लेते हैं. हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं. तो 2 में है लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस 15d माइनस a प्लस 10d which is equals to 73 minus 38. इधर हमारे पास राइट हैंड साइड में 73 एंड माइनस 38. तो a तो सबसे पहले कैंसिल्ड आउट, जो हम चाहते भी थे. 15d माइनस 10d इट इज 5d एंड अगर हम यहां सबट्रैक्ट करेंगे तो इट इज 35. अब अगर हम 5 से दोनों तक में डिवाइड कर देंगे तो हमारा d आ जाएगा 7. तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया. अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को यूज करते हैं. जैसे इक्वेशन 1 यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 10 इंटू डी, डी में 7 एंड 38. तो हमारा a क्या आ गया, 38 माइनस 70. दैट मींस कि हमारे a की वैल्यू कितनी आ गई, 38 माइनस 70 इज माइनस 32. अब देखो, अब हम मेन टारगेट पे आते हैं कि हमें फाइंड क्या करना था. फाइंड हमें करना था 31st टर्म. मींस हमारा टारगेट था a 31st इज व्हाट. तो हम अब 31st टर्म फाइंड करते हैं. a 31 क्या होता है, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज आप प्लेस कर लो. माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू आपकी 7 आई है. तो ये आपका फाइनली क्या आएगा, 210 माइनस 32 विच इज आई थिंक 178. ठीक है, इस तरह से एपी के कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स भी हम और करते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे. हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 11th. विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी गिवन है 3 15 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. हमें कहते हैं कि ऐसा कौन सा टर्म है इस एपी में जो 54th टर्म से 132 मोर होगा. दैट मींस मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें जरूरत है इस 54th टर्म की. तो हम पहले तो 54th टर्म से पहले हम देखते हैं कि हमारा a क्या है, 3, d क्या है. सेकंड में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, इट इज 12. तो सबसे पहले हम 54 टर्म फाइंड करते हैं. a 54, व्हाट इज दिस, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, दैट मींस 3 प्लस 53 इंटू डी, डी इज 12. दैट मींस 3 प्लस 636, देन तो ये ऐड करके आएगा 639. अब हमें 54th टर्म पता चल गया, लेकिन हमें तो फाइंड करना है विच टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. दैट मींस हमारा an यहां क्या है, nth टर्म क्या है, 54th टर्म से
132 मोर, दैट मींस 54th टर्म है 639 प्लस 132, और an का फॉर्मूला आप यहां प्लेस कर दो, a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब आप अपने जितने भी वैल्यूज आप जानते हो उनको प्लेस कर दो, a की वैल्यू है 3, n माइनस 1, d की वैल्यू है हमारे पास 12, देन अब इसको ऐड करो आप 771, दैट मींस अब सबसे पहले इस 3 को माइनस कर लो दोनों तरफ, अब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इनटू 12, 3 माइनस होगा तो ये आएगा 768। नेक्स्ट आप क्या करो, इस 12 को इधर लाके डिवाइड कर दो, दैट मींस हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 इज 768 डिवाइडेड बाय 12। अब आप चेक कर लो कि ये वैल्यू कितनी आती है, n माइनस 1 ये आ रहा है 64। अब हम n फाइंड करना है तो डेफिनेटली दोनों तरफ आपको प्लस 1 करना पड़ेगा, दैट मींस n इज इक्वल्स टू 65। तो हम ये कह सकते हैं कि 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। सिंपल, आपको क्या करना है, अपना प्लान यहां से स्टार्ट करना है, सबसे पहले 54th टर्म निकालो, देन उसमें अगर आप 132 ऐड कर देते हैं तो आपका nth टर्म सामने है। nth टर्म का एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसमें a एंड d आपको पता है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी आप जानते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने n को फाइंड आउट कर लेना है, दैट्स इट। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम 14। देखो इसमें क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब क्या होता है, जो भी नंबर्स 4 से डिविजिबल हो, दैट मींस 4, 8, 12, दैट सॉर्ट। अब हमें इसमें सिर्फ ये जानना है कि 10 या 10 के बाद जो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 होगा वो क्या होगा, दैट मींस 12 4 8 एंड 12। 12 इज योर फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट इज 16, देन 20। अब हमारा टारगेट ये भी जानना है कि 250 से पहले कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा। तो देखो 250 डिविजिबल नहीं है, हम आप चेक करो 248 इज डिविजिबल बाय 4। इसका चेक करने का एक बहुत अच्छा टेक्निक है, आप क्या करो 250 में 4 से डिवाइड करो, इट इज 4 6 जा 24 1 10, 4 2 जा 8। हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है, ये 2 है, आप वो रिमाइंडर इसमें से माइनस कर लो, 250 से 2 माइनस करोगे तो 248 आएगा, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो हमें ये निकालना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आ गए तो वो सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं, a12 d4, और हमारा an क्या है 248। अब obviously an is a plus n minus 1 into d, यानी 248 is 12 plus n minus 1 into 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 248 equals 12 plus 4n minus 4, तो 248 equals 12 minus 4 is 8 plus 4n, that means हम दोनों तरफ 8 को माइनस कर देंगे, 8 अगर हम माइनस करते हैं तो 240 equals 4n, next 4 से डिवाइड कर दो आप, 4 से डिवाइड करोगे तो आपका n आ जाएगा 60। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 multiples of 4 lie between 10 and 250, total 60 multiples of 4 lie between 10 and 250, that's it। Next
14 के बाद हम 15 भी करते हैं, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है और क्वेश्चन से। 15 में देखो, ये कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू डिफरेंट APs। एक तो AP है 63, 65, 67 एंड अदर AP है 3, 10 एंड 17। तो n की किस वैल्यू के लिए इनका nth टर्म सेम होगा, दैट मींस दोनों के an सेम हो जाएंगे। तो अब आप ऐसा सोचो, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, इसको हम बोलते हैं an1, ठीक है, an बोलते हैं, चलो इसको स्मॉल यूज कर लेते हैं, an इज 63 प्लस n माइनस 1, और इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, आप देख रहे हो 2 ऐड करने से बन रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 2। अब इसके बाद हमारा nth टर्म जो होगा सेकेंड AP का, nth टर्म ऑफ सेकेंड AP, इसमें भी हम n स्मॉल ही लेते हैं, इक्वेट करना आसान होगा। तो nth टर्म इसका an, फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस n माइनस 1 एंड d इसमें क्या है, 3 में हम 7 ऐड करते हैं तो 10 आता है 7। अब हमें ये गिवन है कि n की किस वैल्यू के लिए हमें फाइंड करना है कि दोनों AP के nth टर्म सेम होंगे, दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि an और an इक्वल करके इनको इक्वेट कर देना है। तो an क्या है, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये हमारा फर्स्ट AP से है, और सेकेंड AP से 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो 63 ब्रैकेट ब्रेक करो, 2n माइनस 2 3 7n माइनस 7, तो सिंप्लीफाइड टर्म में 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n 7n माइनस 4। देन अब हमें क्या करना है, n वाले टर्म्स को आप एक तरफ कर लो इक्वेशन के एंड कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ कर लो, तो माइनस 4 को अगर आप इधर लाएंगे तो ये बनेगा प्लस 4 एंड 2n को अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस 2n, ये आ गया 65, इट इज 5n। अब आप 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, जैसे 5 से दोनों तरफ आप डिवाइड करोगे तो आपकी n की वैल्यू आएगी 13, दैट मींस जो 13 टर्म होगा इन दोनों AP का वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके CBSE के लिए, कई बार आ चुका है। थैंक यू। अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के लास्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम 20। इसके मिड में कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूं, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे शेयर करना, मैं उसको फिर से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में देखो क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है बेसिकली, बट ये बहुत ही इजी है, इससे टफ क्वेश्चंस अभी आपने प्रैक्टिस किए हैं। इसमें है रामकली 5 रुपीस सेव करती है इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो इनका जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है। इसके बाद कहते हैं कि देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 175, 1 रुपीस एंड 75 पैसे से ये वीकली सेविंग को इंक्रीज करती है, दैट मींस नेक्स्ट वीक में जो सेविंग करेगी 5 प्लस 1.75, देन नेक्स्ट वीक में जो सेविंग करेगी तो 1.75 और ऐड कर लेगी, तो ये क्लियर एपी है विद कॉमन डिफरेंस 1.75। हमारा फर्स्ट टर्म ए है 5, ए2 जो है ये है 5 प्लस 1.75 दैट मींस 6.75, ए3 जो है ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 1.75, तो क्लियरली ये एपी है। तो हम एपी के कॉन्सेप्ट्स को लगा के इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें ये बताना है कि कौन से वीक में इसकी सेविंग पर वीक 20.75 रुपीस हो जाएगी, दैट मींस हमारा जो an गिवन है ये है 20.75। तो अब फॉर्मूला यूज करो आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 20.75, व्हाट इज a, सिंपल 5 n माइनस 1 एंड d क्या है जो हम ऐड करते जा रहे हैं 1.75, तो 1.75 इट इज 20.75, सिंपल। अब आप दोनों तरफ से 5 को माइनस कर लो, जैसे आप 5 माइनस करोगे तो आपका आएगा n माइनस 1 इंटू 1.75 इज 15
1.75। अब इसके बाद आपको 1.75 को एलिमिनेट करने के लिए 1.75 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1.75 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे हमारा n माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है हमें, सिंपल आप अपने पॉइंट्स को हटा लो और 25 से कैंसिल कर दो, 25 6 150 एंड देन 3, नीचे 25 के टेबल में 175 आता है, 25 7 जा 7 9 जा 63, दैट मींस इट इज 9। अब हमें तो हमारा n क्या आएगा, 9 प्लस 1, दैट मींस n इक्वल्स टू 10। इसका मतलब रामकली का सेविंग जो पर वीक होगा वो 20.75 कब रीच कर जाएगा, उसके 10th वीक में। ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है टॉपिक तो आप प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। आगे भी हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहेंगे, बहुत जल्दी 5.3 की वीडियो भी आपके सामने होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।